वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन पिज़्ज़ा सैंडविच। इसके लिए हमें चाहिए चिकन, कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट। इसको तो चिकन को पहले थोड़ा उबॉइल करके रख दें, उसको श्रेडेड करके। फिर एक पैन में थोड़ा तेल डाल के जितना भी वेजिटेबल्स है उसे थोड़ा सॉटेड कर लें। इतना करना है कि वो हल्का से जैसे नरम हो जाए, ज़्यादा भी पकाना नहीं है क्योंकि थोड़ा मुँह में आएगा तो अच्छा लगेगा। फिर उसके अंदर हमें डालना है जो श्रेडेड चिकन है वो डाल दो। फिर उसे भी अच्छा थोड़ा मिक्स कर लो, उसे भी 2 सेकेंड या 5 सेकेंड तक भून लो। फिर उसमें मेयोनीज डालो। मेयोनीज डालने के बाद उसमें थोड़ा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा पिज़्ज़ा टॉपिंग सॉस, बिकॉज अपन पिज़्ज़ा सैंडविच बना रहे ना, इसीलिए पिज़्ज़ा टॉपिंग सॉस। के बाद उसके अंदर हम थोड़ा ऑरिगेनो डालेंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसे 2-4 सेकेंड तक अच्छे से भून के हल्का सी नमक डाल देना क्योंकि टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। फिर ये होने के बाद हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। फिर ब्रेड लेना है, उसमें मेयोनीज और पिज़्ज़ा टॉपिंग सॉस को अच्छे से स्प्रेड करना है। हमें ग्रीन चटनी यूज़ नहीं करनी बिकॉज ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा सैंडविच है। फिर उसके अंदर जो अपना मैरिनेट मसाला है वो उस डालना है, वो डाल के अच्छा से उसे स्प्रेड कर देना है। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद उसके अंदर हमें मोज़रेला चीज़ डालनी है। ये मैंने रेडीमेड चीज़ है क्यूब वाली, ये डाल के जैसे अपन ब्रेड सैंडविच को यूज़ करते हैं वैसे करके रख देना। ये हमारे यहाँ ग्रिल मशीन है, इसमें थोड़ा सा हम तेल ग्रीस कर देंगे। फिर उसके ऊपर अपन सैंडविच रख के अच्छे से ग्रीस कर देना है। चाहिए तो थोड़ा सी सैंडविच पे भी कर देना जैसे मैं कर रही हूँ। फिर उसे मशीन में डाल के बंद कर देंगे। ये 2 लाइट रहती है, रेड एंड ग्रीन। रेड होता है, ग्रीन जब रेडी हो जाती है ऐसे तो ग्रीन सिग्नल आ जाता है। तो यहाँ हमारी रेडी सैंडविच रेडी।